नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार के डिप्टी सीएम से स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। खबर यह कि मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। संडे का दिन है और खबर संडे को रात को आई है कि तेजस्वी यादव ने बड़ा फैसला लिया है। कुल 71 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने। क्या है पूरी खबर और क्यों निलंबित किया गया है 71 स्वास्थ्य कर्मियों को, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता मणिभूषण जी जुड़ गए हैं। मणिभूषण जी, आखिर क्यों तेजस्वी यादव ने कुल 71 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित किया है, क्या है खबर, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 71 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य मुख्यालय के निर्देश पर मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन के द्वारा 71 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, जिसको लेकर सिविल सर्जन के द्वारा लेटर निर्गत कर दिया गया है। वहीं मामले को लेकर सिविल सर्जन उमेश चंद शर्मा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 71 कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर पत्र निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का नाम दो जगह था, जबकि उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति की मौत हो गई, जो स्वास्थ्यकर्मी रिटायर हो गए, उनके पेंशन को लेके भी संबंधित अधिकारियों को पत्र निर्गत कर दिया गया है, ताकि उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पेंशन ना भुगतान हो पाए। उन्होंने बताया कि इनकी बहाली में अनियमितता पाई गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया था और उसके बाद राज्य मुख्यालय के निर्देश के बाद जो है 71 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त किया गया है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन उमेश चंद शर्मा, पहले आपको सुनाते हैं। 71 लोगों को निलंबित किया गया, 75 नहीं, 71 का लिस्ट था। हाँ सर, एक मामला सामने आया 71 लोगों को लेकर। हाँ, उसमें एक आदमी का नाम दो जगह पर है, मिलाकर के 70 हुए, जिसमें से 11 जो है टीकाकार जो है उनके यहाँ से RDT के ऑफिस का बहाल था, और बाकी 59 आदमी जो था मेरे यहाँ से बहाल था सदर ऑफिस से। तो हमने उन लोगों का चिट्ठी निकाल दिया है, इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, डायरेक्टर इन चीफ की चिट्ठी थी उसी के अनुपालन में उन लोगों को सेवा से बर्खास्त किया जा गया है। और जो लोग रिटायर हो गए हैं या मर गए हैं, उनके पेंशन के लिए संबंधित पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है कि वो अपनी ट्रेजरी को उनको सूचित कर दें, कि ताकि जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन हो सके। तो वजह क्या रही है? ये बहुत दिन से पहले का मामला था, जो अनियमित, अवैध और फर्जी तीन तरह के बहाली का मामला था। ये काफ़ी पहले का है, 180 का कहा जाता था, उसके बाद में 90 तक का ये बीच में बहाल हुआ था। उसी में हम सरकार के द्वारा जो 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, वो लोग कुछ क्राइटेरिया रखा था, उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो लोग 3 श्रेणी में बांट दिया उसको, कि ये अवैध है, अनियमित है। उसको सरकार का आदेश हुआ है कि हटा देना है। बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण जी। मणिभूषण जी ने बताया कि कुल मुजफ्फरपुर में 71 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित कर दिया है। मैंने आपको सिविल सर्जन का बयान भी दिखाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर ज़िले में 71 स्वास्थ्य कर्मियों को निलंबित जो है वो कर दिया है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।